हम लोग व्यक्तिगत तौर पर भाई हैं, रहेंगे, राजनीति अपनी जगह है, परिवार अपना है, आने वाले फ्यूचर में भी हम लोग के रिश्ते एक रहेंगे और हम लोग एक ही घर के भी हैं, एक ही इलाके के भी हैं। रामविलास पासवान का 12 जनपद बंगला खाली कराया गया और जिस तरीके से रामविलास पासवान की तस्वीर को बाहर रखी गई, फेंकी गई, इसको लेकर नाराजगी चिराग पासवान में ज़्यादा दिखी। पप्पू यादव की मुलाकात आज चिराग पासवान से होती है, चिराग पासवान के पटना स्थित आवास पे। मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, वो आप सुने। ऐसे समय में आप जिस तरीके से रामविलास पासवान जी, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर फेंकी गई, या जिन परिस्थितियों में आप आनंद फानंद में ही आप सब कुछ कर लेते हैं, हम लोग व्यक्तिगत तौर पर भाई हैं, रहेंगे, राजनीति अपनी जगह है, परिवार अपने। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक नए लोकसभा से पहले एक नई मजबूती के साथ एक नए थर्डपन के गठन की पूरी कवायद हो रही है। हम परिवार की तरह साथ रहेंगे और मेरा और या परिवार का रिश्ता आजीवन रहेगा, आने वाले फ्यूचर में भी हम लोग के रिश्ते एक रहेंगे और हम लोग एक ही घर के भी हैं, एक ही इलाके के भी हैं और हम लोग की मेंटेलिटी राजनीतिक रूप से कम्प्लीट दबे कुचले और समाज के तबकों के लिए है। तो उसमें कहाँ दो मत, अभी व्यक्तिगत तौर पर इनसे मिलने आए हैं। बिल्कुल, ये तो आपने सुना पप्पू यादव को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से रामविलास पासवान जी का बंगला खाली कराया गया और जो तस्वीर बाहर फेंकी गई रामविलास पासवान की हो या भीमराव अंबेडकर की हो, तस्वीर फेंकी गई वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही गलत था। बता दें कि इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी चिराग पासवान में दिखी। चिराग पासवान लगातार बीजेपी पर इनडायरेक्टली जो है वो हमला करते हुए दिखे, अपने चाचा को टारगेट करते हुए दिखे इस मामले को लेकर कि जिस तरीके से सरकार अपमानित कर रही है उस सरकार में चाचा मंत्री है। यहाँ तक कि उन्होंने इसको लेकर चुनावी ऐलान भी किया, चाहे वैशाली की सीट हो या बोचहा को लेकर, जिस तरीके से पासवान समाज को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि अब पासवान समाज तय करेगा, क्योंकि उनके नेता के साथ जिस तरीके से सरकार ने अपमानित किया है और बावजूद उनके चाचा पशुपति कुमार पारा सरकार में बने हुए। इन तमाम मामलों के बाद आज पप्पू यादव की मुलाकात चिराग पासवान से होती है। पप्पू यादव खुद जाते हैं चिराग पासवान से मिलने के लिए। मुलाकात के बाद आपने सुना किस तरीके से पप्पू यादव ने सरकार को जमकर, खासतौर पर बीजेपी को घेरते हुए नजर आए हैं। जिसको हम इतना ही देख लें, बिहार, नमस्कार।